ये तो जितना तक मर्जी मोदी बैठे जिन्ना चर मोदी हाँ नहीं करता उन्ना चर असीं जांदे नूरी बैठे रहा कोई सर्दी सुर्दी तो कोई डर नहीं तो पानी भी कणक लगाते हैं खेत बंदे उदों नहीं सर्दी मनते हुण तां क्या मनना है चारे तो कानून बस करा के फिर जाएंगे पराली वाला मुद्दा भी बस करा के जाएंगे करोड़ रुपया जुर्माना किवें भरदे ते 5 साल की सज़ा किवें कट लेगा जिमीदार जो मर्जी हो जाए साडे नाल असीं आपदे कानून बस करा के जाने जाणा हम लोग पढ़ के लिख बिल्कुल समझदार हैं किसान सब पढ़ के ही हम लोग यहाँ आए हैं नहीं हमारे को कोई ऐसा वो नहीं था शौक नहीं था दिल्ली में आने का हम सब लोग पिछले 23 दिन से सर्दी रातों में यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे ठंडी रातों में सोते हैं और बिल्कुल ये बिल हमारे बिल्कुल खिलाफ है हमारी किसानी को खतरा है हमारी खेती को खतरा है और हमें इस खतरे को देखते हुए हम वोट दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और सरकार से अपील करने आए हैं कि तीनों काले कानून रद्द कर दीजिए और कितना भी टाइम हमारे को लग जाए हमारे लिए मैटर नहीं करता है हम घर से केवल एक संकल्प लेके निकले थे कि कैसे भी करके हम ये तीनों काले कानून वापस करवा के ही घर जाएंगे। बहुत दुख की गल है जिहड़ियां मौतां होईयां ने साडे भरा ते उह साडे तों विछोड़ा पा गए बहुत दुख वाली गल है जी इन्नी दुख वाली गल है जिन्नी भी कह दिओ बाकी डर तां हुण फिर तुहानूं पता जो मोदी ने साडे ते वक्त पाया तां कटना पएगा सरकार नूं असीं इह कहना चाहुंदे हां वी जिहड़े काले कानून साडे ते लाए ने वी उहनां नूं रद्द करो वी इह सानूं कानून पसंद नहीं हैगी सरकार तो कहती है सोडे वास्ते फायदेमंद ने भी सानू ये कानूनों का कोई फायदा नहीं हैगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में जब आंदोलन ये 26 तारीख को हम दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचे थे तो ज़्यादातर जो संख्या थी बड़े बुजुर्गों की थी 80% बड़े बुजुर्ग थे लेकिन अब आप देखेंगे कि इस आंदोलन में ज़्यादातर अब यूथ आगे आ गया है और यूथ इसलिए आगे आया कि उनकी जिम्मेदारी उन्होंने समझ ली है कि हमारे बड़े बुजुर्ग रात को ठंडी रातों में 4-5 डिग्री टेम्परेचर में सो रहे हैं सर्द रातों में तो अब यूथ आगे आ गया है और जिनको भी ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी काम होता है जिसके घर में शादी है या कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है केवल वही लोग घर जाते हैं और 1-2 दिन में अपना काम निपटा के वापस आ रहे हैं किसी को खेती से संबंधित काम है पानी लगाना है फसलों में किसी को कोई काम है अर्जेंट काम से ही लोग घर जा रहे हैं और फिर 2-4 दिन में वापस आ रहे हैं और इसी प्रकार से आंदोलन चलता रहेगा हमारी संख्या बढ़ती है दिन प्रतिदिन जैसे आंदोलन में 23 दिन हो गए हैं और हमारी संख्या एक दिन भी कम नहीं हुई है लगातार बढ़ी है। हरियाणा के लोग हमारे को दूध है चाय पत्ती जितना भी चीनी खाने पाने जो खाने पीने का सामान है सब राशि राशन पानी हमें मिल रहा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना हमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी है बस यही है कि कैसे करके काले कानून हमें रद्द करवाने हैं।